रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, मंगल भवन न मंगल हारी, द्रवहुं सो दशरथ अजर बिहारी। अर्थात अमंगल को जो मंगल करने वाले हैं वो भगवान श्री राम है। जो उनकी शरण में आता है उनके सारे दुख दर्द और कष्ट दूर हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में भी अगले वर्ष 2022 में चुनाव होने वाले हैं और वहां सत्तानशी दल बीजेपी पर अमंगल का साया मंडरा रहा है। उसी अमंगल को दूर करने के लिए बीजेपी एक बार फिर राम की शरण में आ गई है। एक बार फिर बीजेपी जय सियाराम का नारा गुंजायमान करने लगी है। जय सियाराम, जय सियाराम। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण, अयोध्या को ऐतिहासिक, पौराणिक और आध्यात्मिक शहर के रूप में निर्मित करने की कवायद उसी कोशिशों का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण तो शुरू हो गया, लेकिन अब अयोध्या को एक वैदिक और हेरिटेज सिटी के तौर पर विकसित करने की तैयारी है। श्री राम की नगरी अयोध्या एक बार फिर अपने पौराणिक वैभवशाली स्वरूप में नजर आएगी। सरयू किनारे बसी अयोध्या का लौकिक ताना बाना तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि अयोध्या आध्यात्मिक, पौराणिकता और आधुनिकता का एक मॉडल बनकर उभरे। दुनिया भर से लोग इसे देखने एक बार जरूर आए। अयोध्या के कायाकल्प की योजनाएं धरातल पर उतरने लगी हैं। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो लगातार अयोध्या की समीक्षा कर ही रहे हैं, लेकिन अब आधुनिक अयोध्या की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने हाथों में संभाल ली है। विजन डॉक्यूमेंट को लेकर प्रधानमंत्री ने समीक्षा की, जिसमें अयोध्या को वैदिक नगरी के तौर पर विकसित करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर एक युवा एक बार अयोध्या जरूर आए और अयोध्या आकर उसे अपने समृद्ध परंपरा, भगवान राम के आदर्श और आध्यात्मिकता का एहसास जरूर हो। अयोध्या एक ऐसा तीर्थस्थल बने जो लोगों के लिए आदर्श हो। अयोध्या को हेरिटेज सिटी के तौर पर विकसित करने का खाका भी तैयार किया गया है। समरस अयोध्या, स्मार्ट अयोध्या बनाने का डॉक्यूमेंट भी तैयार किया गया है। एक ऐसी अयोध्या जिसमें सभी धर्मों, सभी संप्रदायों और सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। भगवान राम के आदर्श ऐसे थे जो सभी को जोड़ने वाले थे। अयोध्या कुछ उसी तर्ज पर विकसित करने का खाका तैयार किया गया है। अयोध्या में राम की जन्मभूमि के लिए संघर्ष सैकड़ों साल पुराना है। बीजेपी ने अपने चुनावी एजेंडे में हमेशा राम मंदिर को प्रमुखता से उठाया, या फिर यूं कहें कि राम का नाम ही बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चुनावी एजेंडा था। राम मंदिर के भव्य निर्माण को लेकर बीजेपी दो सीटों से लेकर आज केंद्र में सत्ता पर बैठी है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह अयोध्या है। एक बार फिर इसी राम नामी के सहारे बीजेपी यूपी में 2022 पार करना चाहती है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या को आध्यात्मिक मॉडल के तौर पर विकसित करना चाहते हैं। विजन डॉक्यूमेंट के समीक्षा के मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा, अयोध्या हर भारतीय की सांस्कृतिक चेतना में बसा है, इसलिए नई अयोध्या में परंपराओं की झलक दिखनी चाहिए। अयोध्या धार्मिक शहर है, इसलिए इसके भविष्य का बुनियादी ढांचा ऐसा होना चाहिए जो पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के साथ साथ सभी के लिए फायदेमंद। बीजेपी ने यूं तो अयोध्या को 100 साल की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के अगले 30 साल के विजन डॉक्यूमेंट की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका सपना है कि अयोध्या केवल बुजुर्गों के लिए ही आदर्श ना बने, बल्कि नई युवा पीढ़ी के लिए भी आकर्षण का केंद्र हो। युवा एक बार कम से कम अयोध्या जरूर आए। अयोध्या के विजन डॉक्यूमेंट जन भागीदारी और जन सहभागिता से तैयार किया गया है। 5,000 लोगों से चर्चा के बाद अयोध्या की जरूरतों के लिहाज से विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। इनमें अयोध्या के साधु संतों, धर्माचार्य से खास तौर पर बातचीत की गई, उनकी राय ली गई। सैकड़ों सालों के संघर्षों के बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की बेला आई है। ऐसे में प्रधानमंत्री चाहते हैं इसमें जरा से भी कमी ना रह जाए।
पिछले साल 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे। वहां उन्होंने रामलला के दर्शनों के साथ साथ करोड़ों राम भक्तों की अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली आधारशिला भी रखी। मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अयोध्या पहुंचकर रामलला का दर्शन किया था। उसी आधारशिला के बीच एक भव्य और दिव्य अयोध्या का विजन भी पेश किया गया और प्रधानमंत्री ने कहा कि अयोध्या केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि आर्थिक जरूरतों को पूरा करने वाला शहर भी बनेगा। यही वजह है कि अयोध्या के इर्द गिर्द बनने वाले रिंग रोड में 6 इकोनॉमिक जोन बनाए गए हैं। साथ ही पूरे अयोध्या को अत्याधुनिक स्मार्ट सिटी के तर्ज पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रेलवे स्टेशन और अन्य विकास योजनाएं शामिल हैं। हमारी राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बनेगा और यह मंदिर करोड़ों करोड़ लोगों की सामूहिक संकल्प शक्ति का भी प्रतीक बनेगा। यह मंदिर आने वाली पीढ़ियों को आस्था, श्रद्धा और संकल्प की प्रेरणा देता रहेगा। इस मंदिर के बनने के बाद अयोध्या की सिर्फ भव्यता ही नहीं बढ़ेगी, इस क्षेत्र का पूरा अर्थतंत्र भी बदल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या के विजन डॉक्यूमेंट की समीक्षा के बाद अब ये तय हो गया है कि प्रधानमंत्री खुद अयोध्या के भव्यतम स्वरूप को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने के लिए कृत संकल्पित है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि भले ही सियासी उम्मीद से ही सही, लेकिन कोटि कोटि राम भक्तों की सैकड़ों वर्षों की अभिलाषा जल्द पूर्ण होगी और अयोध्या भव्य और दिव्य रूप में अवतरित होगी। अयोध्या से अस्तित्व न्यूज के लिए ज्ञानेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।